गुजरात के आदिवासी संगठनों के द्वारा आज महामहिम राज्यपाल को संबोधित आवेदन पत्र दिया गया। अनुसूचित जनजाति के गलत प्रमाण पत्र लेकर ओबीसी में अपनी जगह बनाकर रबारी भरवाड़ और चारण समाज के कुछ लोग एलआरडी तथा पुलिस फोर्स में अपनी भर्ती के लिए कई तरह के विरोध प्रदर्शन और धरने पर भी बैठ गए हैं। इसी को लेकर आज गुजरात के आदिवासी संगठनों के द्वारा उनके खिलाफ आवेदन पत्र दिया गया है। एलआरडी तथा पुलिस फोर्स में इन लोगों की निमणूक नहीं करने के लिए और गलत प्रमाण पत्र बनवाने के जुर्म में उन पर मामला दर्ज करने की मांग के साथ आज गुजरात भर में आदिवासी संगठनों के द्वारा आवेदन पत्र दिया गया है। मालधारी समाज के कुछ लोग एलआरडी भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं और उनके यह प्रयास गैरकानूनी है, जिस पर सरकार ध्यान केंद्रित करे और उन्हें कानूनी तौर पर सजा दे। इस तरह की मांगों के साथ आज आदिवासी संगठन के द्वारा महामहिम राज्यपाल को संबोधित आवेदन पत्र दिया गया। सरना आदिवासी समाज ना मानसो छे अने दक्षिण आखा गुजरात राज्य तमाम आदिवासी समाज संगठनों भेगा थी अने नक्की कर्यु तो कि चौथी तारीखे 4 जानुआरी 2020 अमारा जो मुख्य चार मुद्दाओ है एने दरेक कलेक्टर कचेरी जाइने आवेदन पत्र आपवानो। ए हिसाबे अमे लोको अहींया अत्यारे वडोदरा शहेरना आदिवासी समाजना तमाम मंडळोना सभ्यो उपस्थित थई अने आवेदन पत्र आपवा माटे आव्या छे। अमारा जे चार मुद्दा छे, एक स्टेच्यू ऑफ युनिटी विधेयक रद्द करवा माटेनो, बीजो मुद्दो छे रबारी भरवाड चारणना जे आदिवासी समाजना नामे जे लोको खोटा जातिना प्रमाणपत्र लईने नोकरीमां आवेला छे अने एना नामे अत्यारे धरना उपास नहीं करे छे, एनी सामे सरकार झुके नहीं ए माटे अमे अमारो शक्ति बतावा मांगीए छे। कहीं ना कहीं सर भ्रष्टाचार दिखाई रह्यो छे, ના એની અંદર જાતિના ખોટા જાતિના પ્રમાણપત્રો લેવાના કારણે અમારી નોકરીઓમાં અમને તકલીફ પડે છે, એટલા માટે અમે આવેલા છીએ। ત્રીજો મુદ્દો છે 5મી અનુસૂચિ વિસ્તારની અંદર સીએએ અને એનઆરસી લાગુ નહીં કરવો જોઈએ, એ અમારો ત્રીજો મુદ્દો છે। અરુણ ચૌધરી, માજી મહામંત્રી, સમસ્ત આદિવાસી સમાજ, ગુજરાત રાજ્ય।